रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। यूपी, राजस्थान और बंगाल समेत 40 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने की छापेमारी। रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने यूपी के साथ कई जिलों में की एक साथ छापेमारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली में रेड। रिवरफ्रंट घोटाले में 190 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। एसपी सरकार में हुआ था रिवरफ्रंट घोटाला। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा हिंसा और कत्ल हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा, मुसलमानों की लिंचिंग इस सोच का हिस्सा। गाजियाबाद में संघ प्रमुख बोले मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, राजनीति एकता ही इसे खत्म करने का हथियार है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा सबका डीएनए एक, अल्पसंख्यकों के मन में हिंदू राष्ट्र में रहोगे तो मुश्किल होगी। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों पर ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा बीजेपी का विकल्प बताने वाली पार्टी, जिला अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटें ही क्यों जीत पाई। ओवैसी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले मनसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया। ओवैसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा बीजेपी से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया ऐलान। अजय सिंह लल्लू ने कहा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी ना ही बीएसपी से कोई गठबंधन करेगी, अपने दम पर सरकार बनाएगी कांग्रेस। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा करेंगे कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार होगा। जम्मू कश्मीर को लेकर कल गृहमंत्री ने बुलाई हाई लेवल समीक्षा बैठक। एनएसए अजीत डोभाल और आईबी प्रमुख शामिल होंगे। परिसीमन आयोग के ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। महाराष्ट्र में सियासत में आया दोस्ती का मौसम। संजय राउत बोले बीजेपी से दूरियां लेकिन दोस्ती बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिवसेना बीजेपी की दुश्मन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कोवन ग्लोबल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 से ज्यादा देशों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। कॉन्क्लेव में कोविन के निर्माण और विकास की कहानी साझा की जाएगी। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद यादव। संयुक्त सत्र को वर्चुअली करेंगे संबोधित। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। बोले बिहार सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, हावी है अफसरशाही, हो रहे हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान की जयंती। दिल्ली में बेटे चिराग पासवान ने मां के साथ सदस्यों को दी श्रद्धांजलि। चिराग पासवान ने पिता की जयंती पर पासवान नाम की किताब का विमोचन किया। बिहार के हाजीपुर से शुरू करेंगे आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली में पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए भावुक हुए चिराग पासवान। बोले हमारे साथ हमेशा रहेगा उनका आशीर्वाद, मैं शहर का बेटा हूं, कभी नहीं डरूंगा। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। राफेल डील बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। बोली कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर फ्रांस की सरकार ने शुरू की न्यायिक जांच। केंद्र सरकार भी मामले पर ले संज्ञान। हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खींचतान पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मिल सकते हैं कांग्रेस के कई विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा। पहले नाबालिग हिंदू लड़कियों को करते थे गायब, नाबालिग होते ही करवा देते थे निकाह। उमर गौतम के साथ 5 से 6 साथियों की तलाश में जुटी एटीएस। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस आया सामने। आदित्य बनकर आरिफ नाम के एक शख्स ने रिटायर्ड आईएएस की बेटी को बनाया अपना शिकार। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी का आरोप। आरिफ ने धर्म छिपाकर पहले दोस्ती की फिर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाने लगा। पीड़िता की शिकायत पर आगरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी आरिफ लखनऊ का रहने वाला है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। झड़प में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। बांकुड़ा के काश्त डांगा गांव का ये पूरा मामला। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 39,796 लोग हुए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 723 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 4,02,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में 42,352 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,82,071। दिल्ली में आज से खुले स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल फिलहाल बंद है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिम खुलने के बाद एक्सरसाइज करते देखे लोग। 50% क्षमता के साथ यूपी सरकार ने जिम खोलने की दी इजाजत। उत्तर प्रदेश में आज से खुले सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन।
जम्मू कश्मीर में कोरोना नियमों में दी गई ढील, कुल 13 जिलों में नहीं होगा वीकेंड लॉकडाउन, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। हरियाणा में एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ा लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का किया घेराव। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाले का आरोप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का दिया गया हवाला। लखनऊ में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर लौटाया, बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाने का दिया आश्वासन। बिहार में बारिश के बीच नेपाल ने वाल्मीकि बराज में छोड़ा 2 लाख क्यूसेक पानी, गोपालगंज बेतिया बगहा में बिगड़े हालात, तो मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बाढ़ का कहर जारी। बिहार के बगहा में गंडक बैराज से छोड़ा गया पानी कई गांव में घुसा, 50 घर पानी में डूबे, लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के दरभंगा में कमला नदी में जान जोखिम में डालकर बच्चे लगा रहे हैं छलांग, आम के पेड़ पर चढ़कर बच्चे लगा रहे हैं पानी में छलांग। बिहार के पूर्णिया में स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हुई, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में 80 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई, जहां पुलिस ने 5 अफगानियों को भी गिरफ्तार किया है, सैनिक फार्म की कोठी में बनाते थे हेरोइन। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने 3 महिलाएं समेत 8 को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विधवा महिला की पिटाई, जमीन विवाद में परिवार ने दबंग, लोगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। राजस्थान के जोधपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई, सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के सरदार शहर में ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जला ट्रक, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका।